उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने मनोज रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। केदारनाथ से विधायक रह चुके मनोज रावत वर्ष 2022 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि पूरी कांग्रेस मजबूती से मनोज रावत को चुनाव लड़ाएगी और भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में आपदा समेत राज्य में बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। केदारनाथ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, केदारनाथ का जो आपदा का मसला है, केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई उसके बाद जो सरकार की उदासीनता रही, जो लोगों ने वहाँ भुगता है, वो तो मुद्दा है ही। उसके अलावा राज्य में बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे प्रदेश के अंदर जब से राज्य बना तब से लेके अब तक इतनी बेरोजगारी कभी नहीं हुई राज्य में जो आज बेरोजगारी है। प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ हिंसा के जो मामले हैं वो जितने बड़े हैं, इतने कभी भी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उत्तराखंड में तो तमाम जनपद हमारे अपराध शून्य थे। पहाड़ के जनपद, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे बागेश्वर हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, उत्तरकाशी हो, आज जिस प्रकार से पूरे राज्य के अंदर अपराध हो रहा है, जिस प्रकार से विशेष तौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध का मुद्दा है। वहीं अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और इस मुद्दे पर बात करेंगे हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल से। अवधेश, बताएं क्या कुछ है आपके पास ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल कंचन, जो है जिसकी उम्मीद थी कि कांग्रेस पहले प्रत्याशी घोषित कर देगी, कांग्रेस ने वही बीजेपी को चौंकाते हुए पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया है और मनोज रावत पर दाव खेला है। मनोज रावत पहले भी कांग्रेस के जो है केदारनाथ से विधायक रह चुके हैं और पिछले 2022 का विधानसभा चुनाव था उसमें तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन जो तमाम समीकरण कांग्रेस ने अपने पर्यवेक्षक भेजे, उनकी रिपोर्टों को देखा और तमाम पर्यवेक्षक रिपोर्ट के आधार पर आखिरकार दिल्ली हाईकमान ने जो है कांग्रेस से मनोज रावत के नाम पर मोहर लगा दी है। 28 जो अक्टूबर है, मनोज रावत 28 अक्टूबर को नामांकन करेंगे और उस दिन कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। वही बात करें भाजपा की, तो कांग्रेस ने जब अपने पत्ते खोल दिए हैं तो भाजपा को सोचने का मौका मिल गया है। हालांकि भाजपा का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में छह दावेदारों के नामों पर दिल्ली हाईकमान को नाम भेज दिए हैं। जो हमारे बीजेपी के सूत्र हैं, बीजेपी के सूत्रों के अनुसार जो नाम है उनमें सबसे पहला नाम है ऐश्वर्य रावत का। ऐश्वर्य रावत पूर्व विधायक सैलारानी रावत की बेटी है और जो लगातार मजबूती से अपनी दावेदारी कर रही है। ये अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश, दूरदर्शन स्टूडियो से जुड़ने के लिए।